श्री विष्णु पुराण 15वां अध्याय। रचयिताओं का मारीशा नामक कन्या के साथ विवाह, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 8 कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, रचयिताओं के तपस्या में लगे रहने से कृषि आदि द्वारा किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई। आकाश वृक्षों से भर गया था, इसीलिए 10,000 वर्ष तक ना तो वायु ही चली और ना प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रचितागण अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोष पूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। वायु ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जला डाला। इस प्रकार उस समय वहां वृक्षों का नाश होने लगा। तब वह भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापति प्रचिताओं के पास जाकर कहा, हे मृत्तिगण, आप क्रोध शांत कीजिए और मैं जो कुछ कहता हूँ सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। वृक्षों से उत्पन्न हुई इस सुंदर वर्ण वाली रत्न स्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर अपनी अमृतमय किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की यह कन्या मारीशा नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभागा इसीलिए ही उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली तुम्हारी भार्या हो। मेरे और तुम्हारे आधे आधे तेज से इनके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होंगे। वह तुम्हारे तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होंगे और प्रजा की खूब वृद्धि करेंगे। पूर्व काल में वेद देवताओं में श्रेष्ठ एवं कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीय तट पर घोर तप किया। तब इंद्रदेव ने उन्हें तप भ्रष्ट करने के लिए प्रमलोचा नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया। उन मंजूहासिनी ने उन ऋषि श्रेष्ठ को विचलित कर दिया। उनके द्वारा शुद्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्ष तक विषयासक्त चित्त से मंद्रांचल की कंदरा में रहे। तब हे महाभाग, एक दिन उन अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग लोक को जाना चाहती हूँ, आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उनके ऐसा कहने पर उसमें आसक्त चित्त हुए मुनि ने कहा, भद्रे, अभी कुछ दिन और रहो। उनके ऐसा कहने पर उन सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ अगले 100 वर्ष तक और रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। तब भी उनके यह पूछने पर कि भगवान, मुझे स्वर्ग लोक को जाने की आज्ञा दीजिए, ऋषि ने यही कहा कि अभी और ठहरो। तदंतर 100 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर उस सुमुखी ने प्रणय युक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों में फिर कहा, ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग को जाती हूँ। यह सुनकर मुनि ने उस विशालाक्षी को आलिंगन कर कहा, अय सुभ्रु, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसीलिए क्षण भर तो और ठहर। तब वह सुश्रोणी अर्थात सुंदर कमर वाली उन ऋषि के साथ पीड़ा करती हुई 200 वर्ष से कुछ कम और रही। हे महाभाग, इस प्रकार जब जब वह सुंदरी देवलोक को जाने के लिए कहती, तभी तभी कंडू ऋषि उनसे यही कहते कि अभी ठहर जा। मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रणय भंग की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा ने अपने दक्षिणायावश तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें ना छोड़ा तथा उन महर्षि महोदया का भी कामासक्ति चित्त से उसके साथ अहिना श्रवण करते करते उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से निकले। उनके निकलते समय वह सुंदरी बोली, आप कहाँ जाते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा, हे शुभे, दिन अस्त हो चुका है, इसीलिए मैं संध्योपासना करूंगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी।
तब उस सुंदर दांतों वाली ने उन मुनीश्वर से हंसकर कहा, हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? हे विप्र, अनेकों वर्षों के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है, इससे कहिए किसको आश्चर्य ना होगा। मुनि बोले, भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो, मुझे भली प्रकार स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के समाप्त होने पर यह संध्या काल हुआ है, फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? कमलोचा बोली, बहुमन, आपका यह कथन कि तुम सवेरे ही आई हो ठीक ही है, इसमें झूठ नहीं, परंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके। सोम ने कहा, तब उस विप्रवर ने उन विशालाक्षी से कुछ घबराकर पूछा, अरे भीरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमण करते मुझे कितना समय बीत गया? कमलोचा ने कहा, अब तक 907 वर्ष 6 महीने तथा 3 दिन और भी बीत चुके हैं। ऋषि बोले, अय भीरू, यह तू ठीक कहती है या हे शुभे मेरी हंसी करती है? मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूँ। प्रमलोचा बोली, हे ब्रह्मन, आपके निकट मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ, और फिर विशेषतया उस समय जबकि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, उसके ये सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कार है ऐसा वचन कहकर स्वयं ही अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। मुनि बोले, ओह, मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्मवेताओं का धन था वह लुट गया और मेरी विवेक बुद्धि मारी गई। अहो, त्रि को तो किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है, मुझे अपने मन को जीत कर 6 उर्मियों से अतीत पर ब्रह्म को जानना चाहिए, जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया है उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरकाग्राम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग से वेद विद्य भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहां बैठी हुई उन अप्सरा से कहा, अरे पापिनी, अब तेरी जहां इच्छा हो वहां चली जा, तूने अपनी भावभंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य किया था वह पूरा कर लिया, मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता हूँ, क्योंकि सज्जनों की मित्रता सात पग साथ रहने से हो जाती है और मैं तो इतने दिन तेरे साथ निवास कर चुका हूँ, अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है जो मैं तुझ पर क्रोध करूँ? दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा ही अजितेंद्रिय हूँ, तू महामोह की पिटारी और अत्यंत निंदनीय है। हाय, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी, तुझे धिक्कार है। सोम ने कहा, वे ब्रह्म ऋषि उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक वह भय के कारण पसीने में सराबोर होकर अत्यंत कांपती रही। इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने में डूबा हुआ था और जो भय से थर थर कांप रही थी, उस प्रमलोचा से मुनि श्रेष्ठ कंडू ने क्रोध पूर्वक कहा, अरे तू चली जा, चली जा। तब बारंबार फटकारे जाने पर वह उस आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्षों के पत्तों से पोंछा। वह बाला वृक्षों के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तर शरीर को पहुंचती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांच से निकले हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल आया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उसे वायु ने एकत्रित कर लिया और मैं अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा। इससे वह धीरे धीरे बढ़ गया। वृक्षाग्र से उत्पन्न हुई वह मारिशा नाम की सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्षगण समर्पण करेंगे।
अतः अब यह क्रोध शांत करो। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या प्रमलोचा की पुत्री है तथा कंडू मुनि की, मेरी और वायु की भी संतान है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, तब यह सोचकर कि प्रचेता गण योग भ्रष्ट की कन्या होने से मारीशा को अग्रहा न समझे, सोमदेव ने कहा, साधु श्रेष्ठ, भगवान कंडू भी तप के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि को गए और हे राजपुत्र, वहां वे महायोगी एक निष्ठ होकर एकाग्र चित से ब्रह्म पार मंत्र का जप करते हुए उधर्व बाहु रहकर श्री भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। प्रचेतागण बोले, हम कंडू मुनि का ब्रह्म पार नामक परम स्तोत्र सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की थी। सोम ने कहा, हे राजकुमारो, वह मंत्र इस प्रकार है, श्री भगवान विष्णु संसार मार्ग की अंतिम अवधि है, उनका पार पाना कठिन है, वे पर अर्थात आकाश आदि से भी पर अर्थात अनंत है, अतः सत्य स्वरूप है, तपोनिष्ठ महात्माओं को ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर अनात्म प्रपंच से परे हैं तथा पर इंद्रियों के अगोचर परमात्मा है और भक्तों के पालक एवं उनके अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण पंचभूत के कारण, पंच तन्मात्रा के हेतु तामस अहंकार और उसके भी हेतु महत्त्व के हेतु प्रधान के भी परम हेतु हैं और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु है, ब्रह्म ही सर्वजीव रूप है और ब्रह्म ही सकल प्रजा का पति अर्थात रक्षक तथा अविनाशी है। वह ब्रह्म अव्यय नित्य और अजन्मा है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु है, क्योंकि वह अक्षर अज और नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। इसीलिए उनका नित्य अनुरक्त भक्त होने के कारण मेरे राग आदि दोष शांत हुए। इस ब्रह्मा पार नामक परम स्तोत्र का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वर ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो पुरुष स्तव को नित्य प्रति पढ़ता या सुनता है, वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यह मारीशा पूर्व जन्म में कौन थी। यह बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा, अर्थात तुम प्रजा वृद्धि रूप फल प्राप्त कर सकोगे। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्ति भाव से भगवान विष्णु को संतुष्ट किया। इनके आराधना से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, हे शुभे, वर मांग। तब इसने अपनी मनोभिलाषा इस प्रकार कह सुनाई, भगवान, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ है। हे जगतपति, मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि फलहीन पुत्रहीन ही उत्पन्न हुई, अतः आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हूँ और प्रजापति ब्रह्मा जी के समान पुत्र हो, और हे अधुषज, आपके प्रसाद से मैं भी कुल शील अवस्था सत्य दक्षिणय अर्थात कार्य कुशलता शुभ्रकारिता अविसंवादिता अर्थात उल्टा न कहना सत्व वृद्ध सेवा और कृतज्ञता आदि गुणों से तथा सुंदर रूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली अयोनिजा अर्थात माता के गर्भ से जन्म लिए बिना ही उत्पन्न हूँ। सोम बोले, उसके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवाधिदेव श्री ऋषिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी हुई उस बाला को उठाकर कहा, भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े प्राकर्मी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे और हे शोभने,
उसी समय मुझे प्रजापति के समान एक महावीर्यवान एवं अत्यंत बल विक्रमयुक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी। तथा तू भी मेरी कृपा से उदार रूप गुण संपन्ना सुशीला और मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्र, उस विशालाक्षी से ऐसा कहे भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वही यह मारिशा के रूप से उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। श्री पराशर जी बोले, तब सोमदेव के कहने से प्रचेताओं ने अपने क्रोध को शांत किया और उस मारिशा को वृक्षों से पत्नी रूप से ग्रहण किया। उन दसों प्रचेताओं से मारिशा के महाभाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे महामते, उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालते हुए सर्ग रचना के लिए उद्गत होकर उनकी अपनी सृष्टि बढ़ाने और संतान उत्पन्न करने के लिए नीच ऊंच तथा द्विपद चतुष्पद आदि नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप को दी तथा काल परिवर्तन में नियुक्त अश्वनी आदि 27 चंद्रमा को विवाह दी। उन्हीं से देवता दैत्य नाग गौ पक्षी गंधर्व अप्सरा और दानव आदि उत्पन्न हुए। हे मैत्रेय, दक्ष के समय से ही प्रजा का मैथुन स्त्री पुरुष संबंध द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ है। उससे पहले तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से उनके संकल्प दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुनि, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ था, फिर वे प्रचेताओं के पुत्र किस प्रकार हुए? हे ब्रह्मन, मेरे हृदय में यह बड़ा भारी संदेह है कि सोमदेव के दोहित्र अर्थात देवते होकर भी फिर वे उनके श्वसुर हुए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, प्राणियों के उत्पत्ति और नाश अर्थात प्रवाह रूप से निरंतर हुआ करते हैं। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों को कोई मोह नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, ये दक्ष आदि युग युग में पैदा होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। इसमें विद्वान को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। हे द्विजोत्मा, इनमें पहले किसी प्रकार की ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता भी नहीं थी। उस समय तप और प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठता का कारण होता था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्रह्मन, आप मुझसे देव दानव गंधर्व सर्प और राक्षस की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे महामुनि, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा उत्पन्न करो, दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि गंधर्व असुर और सर्प आदि मानसिक प्राणियों को ही उत्पन्न किया। इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी वह प्रजा और ना बढ़ी तो उन प्रजापति ने सृष्टि की वृद्धि के लिए मन में विचार कर मैथुन धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से विरण प्रजापति की अति तपस्विनी और लोकधारिणी पुत्री असिकी से विवाह किया। तदंतर वीर्यवान प्रजापति दक्ष ने सर्ग की वृद्धि के लिए विरण सुता असिकी से 5,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन्हें प्रजा वृद्धि के इच्छुक देख प्रियवादी देवऋषि नारद ने उनके निकट जाकर इस प्रकार कहा, हे महाप्राकर्मशाली हर्यश्वगण, आप लोगों की ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो। खेत की बात है, तुम लोग भी अभी मेरे अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का मध्य उद्धव अर्थात ऊपरी भाग और अध्य अर्थात नीचे का भाग कुछ भी नहीं जानते।
फिर प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे? देखो, तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे और इधर उधर सब और अपरितहत अर्थात बेरोक टोक है। अतः हे अज्ञानियों, तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते? नारद जी के ये वचन सुनकर वे सब भिन्न भिन्न दिशाओं को चले गए और समुद्र में जाकर जिस प्रकार नदियां नहीं लौटती, उसी प्रकार वे भी आज तक नहीं लौटे। हरिश्वर के इस प्रकार चले जाने पर प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने वैरुणी से 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए। वे शवलाश्वगण भी प्रजा बढ़ाने के इच्छुक हुए, किंतु हे ब्रह्मन, उनसे नारद जी ने ही फिर पूर्वोक्त बातें कह दी। तब वे सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इसमें संदेह नहीं, अपने भाइयों के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। हम भी माता पृथ्वी का परिमाण जानकर ही सृष्टि करेंगे। इस प्रकार वे भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं को चले गए और समुद्रगत नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। हे द्विज, तब से ही यदि भाई को खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अतः विज्ञ पुरुष को ऐसा ना करना चाहिए। महाभाग दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गए जान नारद जी पर बड़ा क्रोध किया और उन्हें शाप दे डाला। हे मैत्रेय, हमने सुना है कि फिर उस विद्वान प्रजापति ने स्वर्ग वृद्धि की इच्छा से वैरोणी में 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 सोम को अर्थात चंद्रमा को और 4 अरिष्ट मुनि को दी, तथा 2 बहुपुत्र, 2 अंगिरा और 2 कृशाश्व को विवाही। अब उनके नाम सुनो, अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा। ये 10 धर्म की पत्नियां थीं। अब तुम इनके पुत्रों का विवरण सुनो। विश्वा के पुत्र विश्वेदेवा थे, साध्या से साध्यगण हुए, मरुत्वती से मरुत्वान और वसु से वसुगण हुए, तथा भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्ता भिमानी देवगण हुए, लंबा से घोष, यामी से नागवीथि और अरुंधति से समस्त पृथ्वी विषयक प्राणी हुए, तथा संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प की उत्पत्ति हुई। नाना प्रकार का वसु अर्थात तेज अथवा धन ही जिनका प्राण है, ऐसे ज्योति आदि जो 8 वसुगण विख्यात हैं, अब मैं उनके वंश का विस्तार बताता हूँ। उनके नाम आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल अर्थात वायु, अनल अर्थात अग्नि, प्रत्युष और प्रभस कहे जाते हैं। आपके पुत्र वैतंड श्रम, शांत और ध्वनि हुए, तथा ध्रुव के पुत्र लोक संघारक भगवान काल हुए। भगवान वर्चा सोम के पुत्र थे, जिनसे पुरुष वर्चस्वी तेजस्वी हो जाता है, और धर्म के उनकी भार्या मनोहरा से द्रविण, पुप एवं हव्यवह तथा शिशिर, प्राण और वरुण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी शिवा थी, उससे अनिल के मनोजव और अविज्ञात गति ये 2 पुत्र हुए। अग्नि के पुत्र कुमार शरस्तंभ अर्थात सरकंडे से उत्पन्न हुए, ये प्रतिकाओं के पुत्र होने से कार्तिकेय कहलाए। शाख, विशाख और मेघमय इनके छोटे भाई थे। देवल नामक ऋषि को प्रत्युष का पुत्र कहा जाता है। इन देवल के भी 2 शमाशी और मनीषी पुत्र हुए। बृहस्पति जी की बहन वरस्त्री जो ब्रह्मचारिणी और सिद्धयोगिनी थी तथा अनासक्त भाव से समस्त भूमंडल में विचरती थी, 8वें वसु प्रभास की भार्या हुई। उससे सहस्त्रों शिल्पों अर्थात कारीगरियों के कर्ता और देवताओं के शिल्पी महाभाग प्रजापति भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले हुए, तथा जिन्होंने देवताओं के संपूर्ण विमानों की रचना की
और जिन महात्मा की आविष्कृता शिल्प विद्या के आश्रय से बहुत से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं, उन भगवान विश्वकर्मा के चार पुत्र थे। उनके नाम सुनो, वे अजय कपाद, अहिर्दुधन्य, त्वष्टा और परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से त्वष्टा के पुत्र महातपस्वी विश्वरूप थे। हे महामुनि, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषकपि, शंभु, कपर्दी, रायवत, वग, व्याध, शर्व और कपाली, ये त्रिलोकी के अधीश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी एकादश रुद्र प्रसिद्ध हैं। जो दक्ष कन्याएं कश्यप जी की स्त्रियां हुई, उनके नाम सुनो, वे अदिति, दीति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनता, तांग्रा, क्रोधवशा, इरा, कदु और मुनि थी। हे धर्मज्ञ, अब तुम उनकी संतान का विवरण श्रवण करो। पूर्व चाक्षुष मन्वंतर में तूषित नामक 12 श्रेष्ठ देवगण थे। वे यशस्वी सुरश्रेष्ठ चाक्षुष मन्वंतर के पश्चात वैवस्वत मन्वंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और परस्पर कहने लगे, हे देवगण, आओ हम लोग शीघ्र ही अदिति के गर्भ में प्रवेश कर इस वैवस्वत मन्वंतर में जन्म लें, इसी में हमारा हित है। इस प्रकार चाक्षुष मन्वंतर में निश्चय कर उन सब ने मरीचि पुत्र कश्यप जी के यहाँ दक्ष कन्या माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया। वे अति तेजस्वी, उससे उत्पन्न होकर विष्णु, इंद्र, आर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मैत्र, वरुण, अंशु और भग नामक द्वादश आदित्य कहलाए। इस प्रकार पहले चाक्षुष मन्वंतर में जो दूषित नामक देवगण थे, वे ही वैवस्त मन्वंतर में द्वादश आदित्य हुए। सोम की जिन 27 सुव्रता पत्नियों के विषय में पहले कह चुके हैं, वे सब नक्षत्र योगिनी हैं और उन नामों से ही विख्यात हैं। उन अति तेजस्वियों से अनेक प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्ट मुनि की पत्नियों के 16 पुत्र हुए। बुद्धिमान बहुपुत्र की भार्या कपिला, अतिलोहिता, पिता और अशिता नामक 4 प्रकार के विधुत कही जाती है। ब्रह्म ऋषियों से सत्कृत ऋचाओं के अभिमानी देव श्रेष्ठ प्रत्यय अंगिरा से उत्पन्न हुए हैं तथा शास्त्रों के अभिमानी देव प्रहरण नामक देवगण देव ऋषि कृशाश्व की संतान कही जाती है। हेतात 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, प्रजापति और वशटकार, ये 33 वेदोक्त देवता अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेने वाले हैं। कहते हैं इस लोक में इनके उत्पत्ति और निरोध निरंतर हुआ करते हैं। ये 1000 युग के अनंतर पुनः पुनः उत्पन्न होते हैं। हे मैत्रेय, जिस प्रकार लोक में सूर्य के अस्त और उदय निरंतर हुआ करते हैं, उसी प्रकार ये देवगण भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। हमने सुना है कि दूती के कश्यप जी के वीर्य से परम दुर्जय हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष नामक 2 पुत्र तथा सिंहिका नाम की एक कन्या हुई, जो विप्रचीति को विवाही गई। हिरण्यकशिपु के अति तेजस्वी और महाप्राकर्मी अनुहलाद, ह्लाद, बुद्धिमान प्रह्लाद और सहलाद नामक 4 पुत्र हुए, जो दैत्य वंश को बढ़ाने वाले थे। हे महाभाग, उनमें प्रह्लाद जी सर्वत्र समदर्शी और जितेंद्रिय थे, जिन्होंने श्री भगवान विष्णु की परम भक्ति का वर्णन किया था, जिनको दैत्य राज द्वारा दीप्त किए हुए अग्नि ने उनके सर्वांग में व्याप्त होकर भी हृदय में वासुदेव भगवान के स्थित रहने से नहीं जला पाया, जिन महाबुद्धिमान के पार्श्वभद्र होकर समुद्र के जल में पड़े पड़े इधर उधर हिलने डुलने से सारी पृथ्वी हिलने लगी थी, जिनका पर्वत के समान कठोर शरीर सर्वत्र भगवच्चित रहने के कारण दैत्यराज के चलाए हुए अस्त्र शस्त्रों से भी छिन्न भिन्न नहीं हुआ, दैत्यराज द्वारा प्रेरित विषाग्नि से प्रज्वलित मुख वाले सर्प भी चिन्ह तेजस्वी का अंत नहीं कर सके, जिन्होंने भगवत स्मरण रूपी कवच धारण किए रहने के कारण
पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए पत्थरों की मार पड़ने पर भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ा, स्वर्ग निवासी दैत्यपति द्वारा ऊपर से गिराए जाने पर जिन महामती को पृथ्वी ने पास आकर बीच में ही अपनी गोद में धारण कर लिया, चित में श्री मधुसूदन भगवान के स्थित रहने से दैत्यराज का नियुक्त किया हुआ सबका शोषण करने वाला वायु जिनके शरीर में लगने से शांत हो गया, दैत्येंद्र द्वारा आक्रमण के लिए नियुक्त उन्मत्त दिग्गजों के दांत जिनके वक्षस्थल में लगने से टूट गए और उनका सारा मद चूर्ण हो गया, पूर्व काल में दैत्यराज के पुरोहितों की उत्पन्न की हुई कौतया भी जिन गोविंदा शक्ति चित्त भक्तराज के अंत का कारण नहीं हो सकी, जिनके ऊपर प्रयुक्त की हुई अति माया भी शंबरासुर की हजारों मायाएं श्री कृष्ण चंद्र के चक्र से व्यर्थ हो गई, जिन मतिमान और निर्मत्सर ने दैत्यराज के रसोइयों के लाए हुए फलाही विष को निर्विकार भाव से पचा लिया, जो इस संसार में समस्त प्राणियों के प्रति समान चित्त और अपनी समान ही दूसरों के लिए भी परम प्रेम युक्त थे और जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य एवं शौर्य आदि गुणों की खाने तथा समस्त साधु पुरुषों के लिए उपमा स्वरूप हुए थे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।